वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति मंदिर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल जो कि साड़ी के साथ बहुत प्यारा लगने वाला है। तो चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लो। अगर आपके पास भी इतने छोटे हैं, आप हेयर स्टाइल बनाने में कन्फ्यूज रहते हो, तो आज की वीडियो होने वाली आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। तो वीडियो काफ़ी से कर दीजिए लाइक। तो उसके लिए मैं इस तरीके का पफ लगाऊंगी अपने बालों में। कैसे लगाना है सब कुछ आपको वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो देखते रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको जितना ऊंचा पफ बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप ये ले लीजिएगा, छोटा बड़ा हर टाइप का आता है। उसके बाद अपने बालों को इसके ऊपर से फैलाइए, इस तरीके से ऊपर से लेके जाना है। मेरे फेस पे थोड़ा सा बड़ा पफ अच्छा लगता है, आपके फेस पे जैसा अच्छा लगता होगा आप उसके अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। ओके, अगर आपके बाल फ्रंट से पफ नहीं बन पाता है तो आप इसको जल्दी से ले लीजिएगा, इससे आपका पफ बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। अब इसको क्लिप से सेट कर देंगे। ओके, अब मैं लेयर्स निकालूंगी, ये ऑप्शनल है, आपको अगर अच्छा लगता है तो निकालिए, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। इसके बाद सारे बालों को अच्छे से कॉम करेंगे और एक हाई पोनीटेल बना लेंगे। रबर बैंड से टाइटली रबर बैंड को लगाएंगे। अगर आपको कहीं से हेयर अनमैनेज लग रहे हैं तो आप क्लिप से उसको अच्छे से सिक्योर कर लीजिएगा, ताकि जो आप हेयर स्टाइल बनाना चाहते हो वो परफेक्टली बने। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अनमैनेज लग रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिप लगा दे रही हूँ। अब एक डोनेट बन लेंगे। ओके, तो इस डोनेट बन को आपको पोनी इस तरीके से रबर बैंड के ऊपर लगाना है और इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। टू पार्ट्स में डिवाइड करके अब आपको थोड़ा थोड़ा हेयर को इस तरीके से ट्विस्ट करना है। ये बहुत ही इजी ट्रिक है छोटे बालों में अच्छा बड़ा और खूबसूरत सा पफ बनाने का। तो आप देख सकते हो कितना कम टाइम में कितना खूबसूरत सा बन बन के मेरे यहाँ पे रेडी हो गया। एक्स्ट्रा सारी हेयर को डोनेट बन के अंदर ही इंसर्ट कर देंगे और यू पिन से अपने बन को सिक्योर कर लेंगे। और ये बन पार्टी शादी के लिए भी बेस्ट रहेगा। मैंने अपने भाई की शादी में इसी तरीके से हेयर स्टाइल बनाया था अभी जस्ट 2-4 दिन पहले। उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि शादी का टाइम था, तो जल्दी जल्दी हो गया था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ले पाई। और इस तरीके से पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। पफ को थोड़ा सा और वॉल्यूम दिखाने के लिए इस तरीके से खींच लिया है मैंने। आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी है तो बीच की मांग मैंने इस तरीके से निकाली है। तो अभी बीच की मांग के साथ इस तरीके से अपना हेयर स्टाइल कंप्लीट कर सकते हो और अपने लुक को काफ़ी खूबसूरत दिखा सकते हो। मैं 2-3 क्लिप्स और ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये है मेरा फाइनल लुक। इसके साथ आप बड़ी बड़ी इयररिंग्स वगैरह ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बन का फाइनल लुक आप देख सकते हो। तो आई होप कि आज का हेयर स्टाइल आपको काफ़ी पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। एंड कहीं से भी आपको लगे कि आपका डोनेट बन दिख रहा है तो आप उसको इस तरीके से पकड़ के और यू पिन से सिक्योर कर सकते हो। तो आज ही पूरा दिन मैं अपना बन बना के रखने वाली हूँ और आप भी इस तरीके से ट्राई करके अपने लुक को काफ़ी अच्छा और खूबसूरत स्टाइलिश सा दिखा सकते हो। तो कैसा लगा आपको आज का हेयर स्टाइल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोग जिसको हेयर स्टाइल बनाने में प्रॉब्लम आती है वो इस तरीके से हेयर स्टाइल बना पाएँ। तो अभी मैं ये ढूंढ रही थी पतली दांत वाली कॉम, जो कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ,
बैक से जो हेयर निकलते हैं हमारे हेयर स्टाइल को ख़राब करते हैं, उसके लिए सेटिंग स्प्रे बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।